दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिए जाने के बाद 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व सांसद पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं अब माना जा रहा है कि धनंजय सिंह के चुनावी करियर पर फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि वह जौनपुर से चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे। हालांकि दोस्तों अब ये देखना है कि क्या एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह हाई कोर्ट का रुख करेंगे या जेल में अपनी सजा काटेंगे। दोस्तों बता दें, अब पूर्व सांसद धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग गया है और माना जा रहा है कि उनकी जगह अब उनकी पत्नी श्रीकला सिंह चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। श्रीकला सिंह धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी हैं और वह जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अब देखना यह है कि धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद श्रीकला चुनावी मैदान में उतरती हैं या नहीं। सूत्रों के अनुसार धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बसपा के संपर्क में हैं। बता दें कि धनंजय सिंह महज 27 साल की उम्र में साल 2002 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े और जीते। इसके बाद साल 2007 में वह जदयू की टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बने। फिर उन्होंने बसपा का दामन थामा और साल 2009 में जौनपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि दोस्तों 2014 का चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा, लेकिन वह हार गए। धनंजय सिंह की पत्नी तेलंगाना की हैं और वह बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, श्रीकला के परिवार का भी बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा है। उनके पिता विधायक रह चुके हैं। धनंजय और श्रीकला की शादी फ्रांस के पेरिस में हुई थी, जो काफी चर्चा हुई थी। इनकी शादी के रिसेप्शन में बड़े नेता भी शामिल हुए थे। तो दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर है। आगे की खबरों को, पल पल की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।